कैंसर से झारखंड को मुक्त करने के उद्देश्य से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए झारखंड के विमेंस डॉक्टर्स विंग ने पहल की है। रांची में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के 11 सदर अस्पतालों में स्थापित सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच और इलाज की मशीनों को फिर से उपयोग में लाने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 12 और 19 जुलाई को सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों के मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली की गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर कनिका गुप्ता द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी सामाजिक धूरी, जिसके कंधों पर परिवार को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बार खुद को नजरअंदाज करती जाती है, जिसका कई बार गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। सर्वाइकल कैंसर भी ऐसी ही गंभीर बीमारी है, जिसमें हर साल देश में 67,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा 2015 से चलाई जा रही मुहिम का असर है कि झारखंड देश का पहला सर्वाइकल कैंसर मुक्त राज्य बनने की ओर लगातार अग्रसर है। विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में 50% सदर अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर की जाँच और इलाज की मशीनें लगाई गयी है। रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टर भारती कश्यप की वित्तीय सहायता से और बाकी जगहों में अलग अलग जन प्रतिनिधियों की सहायता से सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच और उपचार की मशीनें लगाई गई हैं। इन्हीं प्रयासों को लेकर विमेन डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड एवं स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा RCH हॉल नामकुम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित किया गया। राज्य के 11 सदर अस्पतालों में स्थापित सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच और इलाज के लिए स्थापित मशीनों को फिर से उपयोग में लाने के उद्देश्य से ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह शामिल हुए। सभी 11 सदर अस्पतालों के सिविल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञों, अस्पताल प्रबंधकों और उपाधीक्षकों को इससे जोड़ा गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के 11 सदर अस्पतालों में स्थापित सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच के लिए सिविल सर्जन को प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें महीने में एक टारगेट के तहत महिलाओं में प्री सर्वाइकल कैंसर जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। तो सिविल सर्जन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिविल सर्जन अपने जो दायित्व हैं उन दायित्वों के निर्वहन की दिशा में तत्परता बरतेंगे और पूरे समर्पण भावना के साथ कार्य करेंगे और जो कार्य। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने राज्य सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि सर्वाइकल प्री कैंसर की पहचान और उपचार का कार्य फिर शुरू किया जाए, ताकि महिलाओं की जान बचाई जा सके। सर्वाइकल कैंसर मुक्त राज्य बनाने के लिए जरूरी है सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की मशीनें लगाई जाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञों को जांच और इलाज का प्रशिक्षण दिया जाए, हर जिला अस्पताल को एक लक्ष्य दिया जाए ताकि वह दूर दराज के इलाके में कैंप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग करे और ज़रूरतमंदों का अस्पताल लाकर इलाज करे। महिलाओं को उस उम्र में चपेट में लेता है जिस समय उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। यह कैंसर उम्र के 20वें दशक में प्री कैंसर के स्टेज में रहता है और उम्र के 40वें दशक में धीरे धीरे कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्री कैंसर के स्टेज में रहता है, उस समय अगर क्रायो उपचार कर दिया जाए तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये लक्ष्य निर्धारण मील का पत्थर साबित होगा और झारखंड जल्द ही देश का पहला सर्वाइकल कैंसर फ्री राज्य बनेगा, क्योंकि ये सच है कि आधी आबादी में ही देश की, समाज की और परिवार की पूरी खुशहाली छिपी है।